हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त गुलफाम लेके आया हूँ एक नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी वीडियो में कि मेरा रूम दिखाने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी जो हमको सर्विस प्रोवाइड किया है वो आपको दिखाने वाला हूँ। कैसे रहना पड़ता है, किस हिसाब से रहना पड़ता है इधर बाहर कंट्री में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, जिस भाई ने मेरा वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, और जो बेल आइकन का बटन है उसको भी टैप करते हैं, क्योंकि जब मैं वीडियो डालूंगा आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो उससे मोटिवेट होऊंगा और एक नई वीडियो लाता रहूंगा। तो चलो गाइस, हम आपको दिखाते हैं हमारा रूम, हमारी कंपनी ने क्या प्रोवाइड करके रखा है। ओके, लेट्स गो। तो गाइस देखो, पहले तो आपको दिखा देता हूँ बाहर का व्यू। ये हमारा बाहर का व्यू है, ये हमारा बालकनी है, इधर से पूरा बाहर का व्यू दिखता है। छत खुला हुआ नहीं है, टेरिस खुला हुआ नहीं है, टेरिस लोगे है। तो आप देख सकते हो ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये सब हमारी कंपनी की बिल्डिंग है। और ये वाली जो बिल्डिंग दिख रही है जिसमें मैं खड़ा हूँ, ये भी हमारी बिल्डिंग कंपनी की है। तो देख सकते हो गाइस, मेरी आवाज़ थोड़ा क्लियर नहीं रहेगा क्योंकि बाहर शोर बहुत है, आवाज़ें बहुत है, तो इसकी वजह से क्लियर ना, तो उसके लिए सॉरी गाइस। तो देखिए, इधर से टेरिस खुलता है। ये जो है ये हमारा किचन है, इधर सब लोग खाना बनाते हैं। ये देख सकते हो गाइस, ये खाना खाना बनाया हुआ किसी का रखा हुआ है। ये देख सकते हो अलमारी है, ये देख सकते हो ऐसा व्यू है हमारा। ये इधर टेबल है, जो भी भाई नाश्ता करता है सुबह तो इस पर बैठ के कर लेता है। ये इधर एक रूम है, जो सामने दिख रहा है ना, सामने वो हमारा रूम है। लेके चलेंगे हमारे रूम में, ये बाथरूम है, ऐसा बाथरूम देके रखा है कंपनी ने, दो बाथरूम देके रखा है। चलो लेके चलते हैं हमारे रूम में। ए तो गाइस, हमारे रूम में चार बंदे को है देखे रखा है, एक दो तीन चार, जो हमारा बेड है, ये हमारा बेड है, इधर देखे रखा है वो ऐसे। इधर ये चार कबाड़ देखे रखा है, तीन इधर कबाड़ देखे रखा है और एक कबाड़ इधर देखे रखा है। सब भाई का अलग अलग कबाड़ है, जो भी अपना सामान रख सकता है वो इस पर रख सकता है। इधर बहुत शांति से रहना पड़ता है, जैसे गाँव में तो अपन चिल्लम चाली से रहते थे, लेकिन इधर नहीं चलता है क्योंकि ये लोग भाई नाइट की ड्यूटी जाते हैं, नाइट को आके सोते हैं, हम नाइट की ड्यूटी जाते हैं दिन में सोते हैं, तो ऐसा कोई सुबह में आ गया तो ऐसा शांति से रहना पड़ता है। गांव में थे तो बहुत ऐसे चिल्लम चाली करके अपन जोर से बोल के चिल्ला सकते हैं, क्योंकि बाजू में भी रूम में कोई सोया रहता है तो ऐसे चिल्ला नहीं सकते। इसके लिए मेरी आवाज़ भी थोड़ा आपको स्लो ही लग रहा होगा क्योंकि बहुत स्लो बोलना पड़ता है, तो आवाज़ के लिए सॉरी। ये देख सकते हो ऊपर एसी लगा हुआ है, ये ऊपर लगा हुआ है एसी। इधर सब भाई के पास कंबल रहता है क्योंकि एसी बहुत चिल्ड करता है, इसके लिए कंबल ओढ़ना पड़ता है। बाहर तो गर्मी पड़ती है लेकिन अंदर क्या है, कंबल ओढ़ना पड़ता है, कंबल नहीं ओढ़ते तो सर्दी लग जाता है, तो इसके लिए गाइस ओढ़ना पड़ता है कंबल। आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर किए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इसलिए मैं रोज़ नई मेरी वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए, न्यू वीडियो लाता रहूँगा। तो चलो दिखाते हैं आपको थोड़ा बाहर का व्यू, मतलब हमारे गेट के बाहर का व्यू। चलो चलते हैं बाहर। ये सामने दिख रहा है, ये फ्रिज है, ये हम एक रूम वाला, दो रूम वाला, तीन रूम वाला, चार रूम वाला, इन सब का एक फ्रिज है, तो हम सब लोग का एक फ्रिज है। और ये थोड़ा बाहर गेट खोलेंगे तो ये देख सकते हो गाइस, ये थोड़ा होल है, बाहर का होल है। इधर सबके जूते रखे रहते हैं, कोई अंदर नहीं लेके जाता जूते, और जो कपड़ा वॉशिंग करता है वो सब बाहर ऐसा सुखाता है। ये देख सकते हो आप, सबका अलग अलग है, इधर भी जूते पड़े, इधर भी वॉशिंग किए हुए कपड़े डाल के रखे। ये देखो सीढ़ियाँ है,
इधर से सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से भी नीचे जा सकते हैं, और वो लिफ्ट रही। चलो लिफ्ट से नीचे जाके आपको देख सकते हो गाइस, ये लिफ्ट में आ गए। अभी हम लोग को ग्राउंड फ्लोर पे जाना है, तो हमने ग्राउंड फ्लोर को टैप कर दिया। ये इधर एक मिरर लगा रहता है, लाइट इतना ज़्यादा नहीं है तो इसके लिए रोशनी नहीं आ रहा है। ये देखो, अभी क्या लिफ्ट ख़राब है तो ये इधर पे आके रुक जाती है, तो इसको वापस से दबाना पड़ता है, तो पूरा ग्राउंड फ्लोर पर जाएगी ये। जो सीढ़ियाँ से आना रहता है वो सीढ़ियों से आ जाता है, जो लिफ्ट से आना रहता है उस लिफ्ट से आ जाता है। ये देखो बाहर का भी, इधर बाहर जैसे एग्जिट हो गई, ये देख सकते हो गाइस, इधर का कुछ बजा है, छः बजा हुआ है, देख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर नए हो या पहले से हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय।